अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी पंडित जी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आंखें मूवी के एक स्पेशल सीन के बारे में। लाइए राय साहब, इस बात पर मार्कशीट देखी 98%। 1993 में आई आंखें मूवी के डायरेक्टर थे डेविड धवन और लीड एक्टर थे गोविंदा, चंकी पांडे और कादर खान। जिसको 9 मिला है इसको 10 मिला है। उसे देखने पर ज्यादा मिला है। ये जो शील 90 नहीं है उस राय के लाए। अरे लाल को तीला कर रहा हूं। अब बात करते हैं इस मूवी के स्पेशल सीन की। मुन्नू और बुन्नू घर से भाग जाते हैं और चीफ मिनिस्टर के बच्चे को रोड एक्सीडेंट में बचाते हैं। उस टाइम गोविंदा और चंकी पांडे दोनों ने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी हुई थी। चीफ मिनिस्टर का बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो दोनों सीएम के घर पहुंचते हैं उनके कपड़े बदल जाते हैं और दोनों की ब्राउन शर्ट ब्लैक हो जाती है। आज चिराग का जन्मदिन है। ये एहसान हम कभी चुका नहीं सकते। अब इसी सीन में राज बब्बर अर्थात सीएम के घर हमला हो जाता है और उस बच्चे को भी गोली लग जाती है। तब अचानक गोविंदा और चंकी पांडे जैसे ही बाहर आते हैं दोनों की शर्ट्स के ऊपर वाइट कोट आ जाता है। और अब फिल्मी पंडित जी की तरफ से आप सभी के लिए लभाव। उस वर्ष 1993 में खलनायक, बाजीगर, डर और दामिनी जैसी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, पर आंखें मूवी उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। ऐसे ही मज़ेदार रोचक वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फिल्मी पंडित जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।